कोटरी भट्टी कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। नरसिंहपुरा पहुंची है बीजेपी की जांच टीम। जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई है चार महिला सांसदों की ये टीम। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी इस टीम का हिस्सा है, मौजूद है। पीड़ित परिजनों से बीजेपी की ये जांच टीम मुलाकात कर रही है। तो भट्टी कांड का जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए बीजेपी की महिला सांसदों की जांच टीम पहुंची है। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार महिला सांसदों की ये जांच टीम गठित की थी और ये जांच टीम अब पहुंची है भट्टी कांड के जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिलने के लिए। तो पीड़ित परिजनों से बीजेपी की जांच टीम मुलाकात करी, नरसिंहपुरा पहुंची है बीजेपी की टीम, चार महिला सांसदों की टीम जेपी नड्डा ने गठित की, अलका गुर्जर, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी मौजूद है इस दौरान बीजेपी के इस जांच टीम के साथ। भट्टी कांड की नाबालिग मृतका के परिजनों से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम महिला नेत्रियां पहुंची हैं। लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी भुना रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बीजेपी लगातार उठा रही है, ना सिर्फ राजस्थान के अंदर बल्कि आप देखिए केंद्र सरकार की भी नजर लगातार राजस्थान पर बनी हुई है, क्योंकि मणिपुर पर, मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी पर जो भी पार्टियां निशाना साधती हैं तो वो राजस्थान की बात करती हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी रहता है। तो अभी फिलहाल राजस्थान में भट्टी कांड जिसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि दिल को झकझोर देने वाला ये कांड है और ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब जेपी नड्डा ने चार महिला सांसदों की एक जांच टीम गठित की है। ये जांच टीम नरसिंहपुरा पहुंची है और भट्टी कांड का जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की जा रही है। इस खबर पर हमारे सहयोगी जयेश पारिक जुड़ गए हैं। जयेश, कौन कौन सी महिला नेता बीजेपी की पहुंची हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात हो रही है, क्या ताजा तस्वीर? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीणों का और सर्व समाज का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को मुद्दा बनाते हुए चार महिला सांसदों की नेतृत्व में जो एक टीम का गठन किया है। जिन महिला सांसदों की टीम का गठन किया गया था वे महिला सांसद भी आज कोटरी के नरसिंहपुरा गांव में जो मृतका बालिका जो थी उनके परिजनों से मुलाकात कर जो जांच है साक्ष्यों की जुटाव कर रहे हैं। जिनके अंदर महिला सांसदों के अंदर अभी तक सरोज पांडे, कांता करदम जो है, रेखा वर्मा, लोकेश चटर्जी सहित जो राष्ट्रीय मंत्री जो है भाजपा की अलका गुर्जर, उनके साथ ही जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी वे भी यहाँ पर पहुंची है। इतना ही नहीं, पूरे भाजपा जिला कार्यकारिणी जो है, लगभग भाजपा जिला कार्यकारिणी भी फिलहाल नरसिंहपुरा गांव में परिजनों से मुलाकात कर रही है। जी बिल्कुल जयेश, अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें एक बार दर्शकों को मैं बता दूं, फिर उसके बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत करूंगी, आप बने रहिएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नरसिंहपुरा से, बीजेपी की ये जांच टीम महिला सांसदों की पहुंची है नरसिंहपुरा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की जा रही है। क्या बातचीत जयेश हो रही है इस मुलाकात में, क्या कह रहे हैं परिजन? न्याय की बात जाहिर तौर पर कर रहे होंगे, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जयेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जयेश, लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल जो चार सांसदों की टीम जो नरसिंहपुरा गांव पहुंची है वे फिलहाल परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। उनकी माँ का जो मृतक बालिका जो थी, इनकी माँ का भी रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने जो मृतक बालिका थी उनके साथ जो दुराचार जिन लोगों ने किया है उन पर लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है। फिलहाल जो चार पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है उनके बाद भी कुछ पुलिसकर्मियों की जो भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है उनको लेकर भी जो सांसदों से हैं परिजनों द्वारा लगातार सस्पेंशन की, पुलिसकर्मियों सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने FIR तक दर्ज करने में आनाकानी की या फिर परिजनों को परेशान होना पड़ा या फिर इस पूरे मामले में जिस तरीके की चुनौतियां परिवार ने फेस करी उसे लेकर वो पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की ये जांच टीम पहुंची है, बीजेपी महिला नेताओं की ये जांच टीम है। शुक्रिया जयेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये मुलाकात हुई है जेपी नड्डा की तरफ से, दरअसल ये टीम गठित की गई थी और ये टीम नरसिंहपुरा गांव में पीड़ित परिजनों से जब मिली तो पीड़ित परिजन
अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। सीधे तौर पर नरसिंहपुरा के भट्टी कांड के बाद पूरे देश में इस भट्टी कांड में जिस तरीके से नाबालिग के साथ दरिंदगी कर उसे भट्टी में झोंक दिया गया था, इसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। और अब ऐसे में बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और इसीलिए बीजेपी की ये जांच टीम नरसिंहपुरा गांव पहुंची थी। नरसिंहपुरा गांव में नाबालिग मृतका के परिजनों से बीजेपी की टीम ने मुलाकात की और परिजन रो रोकर सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जो भी दोषी है, जो आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें ऐसा दंड मिले कि पूरी दुनिया याद रखे। परिजन यही कह रहे हैं उनकी बेटी के साथ जो सलूक हुआ, जो दरिंदगी हुई, ये किसी के साथ ना हो। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसे भट्टी में झोंक दिया गया था।